हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल में पहले दिन आपको कैसे पढ़ाना चाहिए और किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए जिससे कि जो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो सके और जो आप जो डेमो क्लास देने के लिए जाते हैं पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, उनमें आपको कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके से आपको डेमो देना है जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो स्कूल में हो जाए। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप पूरा एंडिंग तक आप बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि आप जब किसी भी स्कूल में जाते हैं तो देखिए स्कूल में जाने के बाद देखिए नॉर्मली क्या होता है, या तो आपका रिटन टेस्ट होगा या फिर आपको डायरेक्टली डेमो के लिए भेज दिया जाएगा। जो गाइस अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या आपका रिटन टेस्ट ले लिया जाता है और रिटन टेस्ट के बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिर्फ डेमो कराया जाता है, बाकी को क्या लौटा दिया जाता है। अब गाइस सपोज करिए कोई भी स्टेज हो, किसी भी तरीके से आप क्वालिफाई हुए हो या फिर आपका डायरेक्टली डेमो हो किसी भी तरीके से हो, तो देखिए आप जब डेमो क्लास के लिए पहले दिन स्कूल में पढ़ाते हैं, जब आप डेमो क्लास पहले दिन देते हैं तो देखिए क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपको सोच के देखिए कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उसको देखकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। देखिए आपके सामने मैं खड़ा करते हूँ तीन पर्सन को, सपोज कर लीजिए पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। अब देखिए जो पर्सन ए है वो गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, पर्सन बी नॉर्मल कपड़े पहने हैं और पर्सन सी जो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड कपड़े पहने हैं। तो देखिए तीनों के प्रति किसकी इमेज अच्छी दिखेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है कि जो वेल मेंटेन्ड पर्सन उसकी इमेज अच्छी दिखाई देगी, तो मतलब लोग उसके बारे में पहले से ही अंदर से पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो बस वही चीज़ आपको करना है। देखिए जब आप क्लास में जा रहे हैं तो आपको पता है कि भाई क्लास के सामने आप जब जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, ये आपको पता है ऑलरेडी। बट सबसे पहले बात आती है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपको ये सोचें कि भाई आप एक टीचर हो तो आप काफ़ी अच्छा पढ़ाओगे, ये लोगों के अंदर से पहले से भावना आए। तो लोग कौन हैं? वो स्टूडेंट्स हैं जो आपका डेमो देखने वाले हैं कि भाई आप अच्छा पढ़ाओगे। अब देखिए पहले क्या है, जो आपका अपीयरेंस है, जो आपका ड्रेसअप है वो सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। अब देखिए ड्रेसअप में क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए पहली चीज़ तो यदि आप मेल हैं तो आप देखिए जीन्स को अवॉइड करें, आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाएं। अब देखिए फॉर्मल ड्रेस में क्या होता है, एक आप शर्ट पहन लें, एक आप सादा पैंट पहन लें और अपने शूज पहन लें और आप क्या नॉर्मल वे में जाइए, तो ये आपका नॉर्मल ड्रेस कोड होता है। यदि आप लेडीज़ हैं तो आप एक नॉर्मल सलवार कुर्ता पहन लें या आप साड़ी पहन लें। तो आप कोशिश ये करिए यदि आप एक लेडीज़ हैं तो आप साड़ी पहन के जाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो साड़ी पहन रहे हैं या फिर जो भी सलवार कुर्ता आप पहन रहे हैं तो उसके लिए ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आपका जो ड्रेसअप है वो पार्टी टाइप लगे जैसे शादी में लोग पहनते हैं, तो वैसा आपका ड्रेसअप नहीं लगना चाहिए। अब देखिए जब आप क्लास में एंट्री लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपकी अपेयरेंस को देख के कुछ ना कुछ सेंस लगाने लगते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। या आपके सामने कोई भी आपके घर में मेहमान आता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अच्छी बातें चल रही होती हैं कि भाई जैसे सपोज करिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, अब मिठाई की दुकान में देखिए कोई बंदा कार से आया तो मिठाई वाला कई बार ऐसा होता है कि जो रेट होता है वो 10-20 रुपए बढ़ा के बता देता है, और मान लो कि साइकिल वाला आया तो भाई उसको जो नॉर्मल रेट चल रहा होता है वही बता देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेंस जाता है भाई गाड़ी से आया है तो मिठाई लेके जाएगा ही। तो इसी तरीके से देखिए जो ये साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो यही कहती है कि भाई आपकी जो अपीयरेंस है कहीं ना कहीं उसको देखकर लोग आपके बारे में एक काल्पनिक दुनिया अपने दिमाग में बसा लेते हैं। तो पहली चीज़ है कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई आपको अच्छा ड्रेसअप पहन के जाना है। अब ड्रेसअप के बाद सेकंड थिंग आती है आपका पढ़ाने का तरीका। अब देखिए पढ़ाने के तरीके में देखिए क्या चीज़ है, जब आप क्लास में एंट्री करते हैं
तो आपको देखिए क्या बोलना है, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग क्लास, ये आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और जो आप बोल रहे हैं उस आवाज़ में दम होना चाहिए, मतलब आपको लाउडली बोलना है और अच्छे से बोलना है, चिल्लाना नहीं है। लाउडली बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम चिल्ला रहे हो, चिल्लाना नहीं है, लाउडली बोलना है और अच्छा बोलना है, स्वीट वॉइस बोलना है। आपको बोलना है गुड मॉर्निंग क्लास, अगर आप दोपहर में जाते हैं तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून क्लास, यदि आप इवनिंग में जाते हैं तो गुड इवनिंग क्लास। तो इवनिंग में नॉर्मली आप नहीं जाओगे, आप या तो गुड आफ्टरनून में जाओगे या फिर आप मॉर्निंग में जाओगे। अब गाइस आप जब क्लास में जाते हैं तो एंट्री करते समय बिल्कुल बोलिए गुड मॉर्निंग क्लास। अब इसके बाद आप बोर्ड पर आओगे, अब देखिए जब आप बोर्ड पर आते हो तो जो भी आप पढ़ाना चाहते हो तो पहले तो स्टूडेंट से आप एक बुक मांग लो, फिर उसको आप थोड़ा चेक कर लो बुक को 2 मिनट के अंदर कि भाई कौन, आप बच्चों से पूछिए कि बच्चे आपका कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, आप बच्चों से पूछिए कि भाई बच्चों आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। तो बच्चे खुद ही बताएंगे भाई सर हमको पिछली बार वो सर आए थे या वो मैम आए थे, उन्होंने ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था। अब बचे हुए कुछ टॉपिक्स आपके सामने आ गए कि भाई जो बचे हुए टॉपिक्स उनमें से आपको पढ़ाना है। अब आपको ध्यान ये रखना जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से आपको वही चूज करना है, वही चीज़ सेलेक्ट करना है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, प्लस जो टॉपिक बच्चे को ईजिली समझ में आए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप अच्छा पढ़ा सकें प्लस बच्चों को आसानी समझ में आए। आप कभी भी एक ऐसा चैप्टर मत उठाइए जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो, क्योंकि अगर बच्चों को समझने में दिक्कत हुई, भले ही आपने अच्छा पढ़ाया लेकिन बच्चों को दिक्कत हुई समझने में, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो जाने वाला है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, बाकी चीज़ें तो आप आगे मैनेज कर ही लोगे। तो आपको सिलेक्शन यदि लेना है तो आपको फोकस ये करना होगा कि भाई हम वो टॉपिक पढ़ाएं जो हम अच्छे से बता सकें प्लस बच्चे भी अच्छे से समझ सकें। और गाइस जब बच्चों को आप पढ़ाएं तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके बोर्ड पर रिप्रेजेंट करें, जैसे आप कोई डायग्राम बना दें, आप जो भी न्यूमेरिकल वगैरह बता रहे हैं अगर तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएं। मतलब ये नहीं कि ये तो बच्चों को आते होगा, ये मत सोचें, आप बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचिए। आपके दिमाग में ये बिल्कुल ना हो ये तो बच्चों को आता हो, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। आपको उस हर एक बच्चे को सिखाना है जो बिल्कुल नालायक टाइप का है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसने पिछली क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से उठाइए और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके आइए। अब गाइस यहाँ पे जब आप एडवांस लेवल तक लेके आओगे तो जो बिल्कुल बेकार बच्चा होगा वो भी सेटिस्फाई होगा, जो मॉडरेट बच्चा होगा वो भी सेटिस्फाई होगा, और जो पढ़ने में एक्सीलेंट होगा शायद एक आधी बच्चे वो सेटिस्फाई ना हो, बाकी सब सेटिस्फाई होंगे। और गाइस बट अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो डेफिनेटली जो एक्सीलेंट बच्चा होगा वो भी सेटिस्फाई होगा। कई बार ऐसा होता है कि भैया आपने जीरो लेवल से उठाया तो हो सकता है एक्सीलेंट बच्चा कहे कि भाई अरे सर ये सब चीज़ें तो आप बिल्कुल बेसिक से बता रहे हो। तो आपको बिल्कुल क्लास में कहना है कि बेटा हमको पूरे क्लास को लेकर चलना है, सभी बच्चों को पढ़ाना है, तो अभी जीरो लेवल से चल रहे हैं बट आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ये नहीं कि आपको जीरो लेवल ही पढ़ाया जाएगा। तो जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा, ये चीज़ आपको उनको बोलना है। यदि कोई बच्चा ऐसा कहता है कि भाई सर यहाँ से आप पढ़ाइए ये सब चीज़ें तो सबको आती हैं पहले से, तो मतलब ये चीज़ आपको बोलनी है। और एक बात ये ध्यान रखिए जब भी आप पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाते सिर्फ मत रहिए। काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं क्लास में गए और पढ़ाते रह रहे हैं, सिर्फ बोलना शुरू और पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आप क्लास में 5 मिनट पढ़ाइए और जो भी पढ़ा रहे हो आप उससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों से पूछो। एक बच्चे को खड़ा करिए, एक पीछे से खड़ा करिए, एक बीच में से खड़ा करिए, एक आगे से खड़ा करिए, तो बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उन बच्चों कोई बात नहीं, आप उनको उठा दीजिए, फिर आप चीज़ों को बताइए समझाइए, फिर आप थोड़ी देर कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछिए। मतलब आपको क्या करना है, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व इसलिए करना है क्योंकि अगर बच्चों को आपने इन्वॉल्व नहीं किया तो बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे, आपको पढ़ाने नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए जब कोई टीचर नया नया जाता है कई बार स्कूलों का माहौल ऐसा होता है कि भाई बच्चे टीचर को बोलने का मौका नहीं देते हैं,
बच्चे चिल्लाते रहते हैं, शोरगुल मचाते रहते हैं। अगर आप बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करोगे तो जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे ध्यान से, वो पढ़ने लगेंगे, वो सोचेंगे अरे कहीं हमसे ना क्वेश्चन पूछ लें सर, कहीं हमसे मैम ना क्वेश्चन पूछ लें। तो इस चक्कर में वो जो इनएक्टिव बच्चे होंगे, जो शोर मचाने वाले बच्चे होंगे, वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। और गाइस यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी वगैरह कर रहा है या उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहा है, उसको खड़ा करो, तुरंत क्लास के बाहर कर दो। इसमें बिल्कुल भी आप रियायत मत दो, मतलब स्ट्रिक्ट भी होना है आपको। ये नहीं केवल क्या है कि अरे हमारा पहला दिन है, हम बच्चों को कैसे बाहर निकाल लें। आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप नए टीचर हो। आप अपने दिमाग में एक चीज़ ये बसा लो कि भाई आप टीचर हो, आप पढ़ाने आए हो, तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक टीचर की। और आपके पास एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब टीचर की दी गई है, तो टीचर को कैसे मैनेज करना है वो सब टीचर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप क्लास के बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस ध्यान बस यही रखना है कि आपको अच्छा पढ़ाएंगे, भले ही कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, और वही पढ़ाएंगे जो बच्चा ईजली समझ सके। और जो अपीयरेंस है आपकी, उसको आपको काफ़ी अच्छा बना के जाना है। ये नहीं कि भाई सो के उठे, ना मंजन करा, ना ब्रश करा, मुंह पे ऐसे पानी मार लिया और चले गए, ये सब नहीं करना। बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से जाइए। गाइस कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको अपीयरेंस को अच्छा बनाती हैं। अब गाइस सपोज करके खुद ही देखो आप, जैसे एक मूवी आई थी, सपोज करके हटाइए, आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। एक मूवी आई थी, तो मूवी में दिखाया गया था कि भाई एक आदमी था, वो बहुत अमीर था, बहुत ही ज़्यादा अमीर था, लाखों की संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास। बट वो क्या किया उसने, वो चौकीदार के कपड़े पहन के एक होटल में खाना खाने के लिए गया। तो वहाँ पर जो गेट पर व्यक्ति लगा हुआ था, उसने उस चौकीदार को क्या है, भगा दिया। जो गेट पे कर्मचारी लगा रहता है, उसने चौकीदार को भगा दिया, अरे तू खाना खाएगा यहाँ पे, इतना महंगा खाना खाएगा, तेरी क्या औकात है, तू क्या खाना खा लेगा। क्यों भगा दिया? क्योंकि उसके कपड़े, जो उसके पहनावा था, वो कुछ ना कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई ये चौकीदार है। बट वो एक्चुअल में क्या था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। तो कहने का मतलब ये है, सोसाइटी में जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपने आप को ढालना होगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, अच्छा दिखें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा बोलें, और अच्छे तरीके से बच्चों से क्वेश्चंस पूछें, और बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। बच्चों से बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डांटना है। अगर बहुत ज़्यादा क्लास डिस्टर्ब हो रही है किसी एक बच्चे के कारण, तो उस बच्चे को आपको क्लास के बाहर निकाल देना, बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि वो बच्चा को हम निकालें कि ना निकालें। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया,